टीवी में आऊंगी कब, और इंडियन टीवी में आऊंगी ऐसे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पीछे का तो डर फिलहाल तो कोई नहीं है कि मेरे भैया हैं, बहन है, बस वो तो बड़े हैं, बच्चे नहीं है। सीमा हैदर कोई मुसलमान नहीं है ये तो पूरी दुनिया जानती है, पर वो एक पाकिस्तानी भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। इसने जिसकी जिंदगी खराब कर दी, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, फ्रेंड घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गलत। उनकी दोस्त ने मीडिया के सामने ये बयां किया कि शी इज नॉट अ पाकिस्तानी, शी वॉज लिविंग समवेयर एल्स, और वो कहीं और से पाकिस्तान आकर के रहने लगी। अब ये कहीं और कौन सी जगह है ये तो पॉसिबली वीडियो देखकर ही हमें मालूम चलेगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, और सीमा हैदर बहन जी के इस एक्ट को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ना ही कोई सच्चा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इनकी इस करनी को हरा झंडा दिखाएगा। इट्स इम्पॉसिबल राइट। सी फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीमा हैदर को लेकर के आ रही है, जैसे कि वो काला जादू ब्लैक मैजिक किया करती थी, मल्टीपल अफेयर्स भी थे उनके। हालांकि इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पर्सनली, क्योंकि वो उनकी निजी जिंदगी है, पर अभी जो हुआ है वो गैर कानूनी है। कितने बड़े लेवल पर इन्होंने इंडिया के रूल्स को ब्रेक किया है, मैं सभी लोगों को एक अर्जी करना चाहूंगी कि प्लीज इसे हिंदू मुस्लिम के एंगल से छोड़ करके एक बार एक सच्चे सिटीजन, अपने देश के सच्चे नागरिक होने के नाते इस सिनेरियो को लुक आफ्टर कीजिए। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन गलती पर है। छोटे छोटे बच्चों की माँ को अपने बच्चों की देख रेख करने की बजाय पबजी तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, और फिर इल्लीगली किसी और के देश में एंटर भी नहीं करना चाहिए। थिंग्स आर रियली मेस्ड अप राइट नाउ। चलिए एक बार सीमा हैदर को उनका बयान देते सुन लेते हैं, फिर उनकी फ्रेंड इकरा को सुनेंगे जिन्होंने कई सीक्रेट्स पे से पर्दाफाश किया है, राज खोले हैं। टीवी में आऊंगी कब, और इंडियन टीवी में आऊंगी ऐसे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पीछे का तो डर फिलहाल तो कोई नहीं है कि मेरे भैया हैं, बहन है, बस वो तो बड़े हैं, बच्चे नहीं है। इसने जिसकी जिंदगी खराब कर दी, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, फ्रेंड घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गलत बात तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पीछे का तो डर फिलहाल तो कोई नहीं है कि मेरे भैया हैं, बहन है, बस वो तो बड़े हैं, बच्चे नहीं है। हाँ, ये डर जरूर है कि कहीं मुझे वापस ना भेज दें। ये बहुत बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा डर है, ये मेरे मन के अंदर है। रोज़ सोचती हूँ कि बस भरोसा रखती हूँ यहाँ के हिंदू धर्म जो लोग हैं वो मेरी हेल्प करेंगे, कि मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, उनसे ही उम्मीद है अब कि वही मेरे मेरी सुरक्षा वही करेंगे। योगी जी और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं भी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। बहुत डर है मुझे वापस जाने का, और कोई डर नहीं है। मैंने सर बाकी सारा कुछ, आपके पास पासपोर्ट था? जी सर, मेरे पास पासपोर्ट है। आपने खुद बनवाया? जी सर, मैंने खुद बनवाया, लीगल है, बिल्कुल रियल है, कोई फेक फ्रॉड नहीं है, सब सच्ची है, हकीकत है। बच्चों के पासपोर्ट हैं, 5 पासपोर्ट थे मेरे पे, 6वां पासपोर्ट जो मेरा पहले से बना था उसमें मेरा नाम के कारण मुझे वीज़ा नेपाल की एम्बेसी वीज़ा ना दे रही थी, सीमा नाम के। सीमा के ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, सीमा अकेला नाम है और उनकी माँ है, तो सीमा अली या सीमा गुलाम इस तरह कुछ होना चाहिए। तो मैंने दोबारा वो बनवा के सीमा गुलाम हैदर के नाम से पासपोर्ट बनवाया। गेम पबजी गेम से सर, पबजी लाइट, मैं ये खेलते थे मुझसे पहले, मैं इनके बाद आई तो हम गेम में मिल गए, तो ऐसे 2-3 दिन हम गेम खेलते रहे। Bro, what are you doing, कुछ man? हफ्तों बाद हमने नंबर चेंज करा, इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने इनको अपना नंबर दिया, ताकि हम गेम पे एक समय ये खेल के जाते थे तो मैं खेलने आती थी, तो इस तरह मतलब एक समय पे नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और तुम गेम में आ जाइए। मैं ठीक है, फिर मुझे मैसेज करते गेम में आओ जी, इस तरह के मैं जी जी करके मैसेज लिखते थे ये कि गेम में आओ जी, क्या हो रहा है जी, खाना खाया जी, तो ऐसे हमारी चैटिंग स्टार्ट हो गई सर। तो ये प्यार की शुरुआत थी जी सर। फिर इसके आगे हमने वीडियो कॉल दिन में करना शुरू करा, अपना शहर अपनी गली, मैं अपना शहर अपनी गली, एक दूसरे को दिखाते रहे, ये दिखाते रहे ये मस्जिद है, ये है, मैं दिखाते रहे ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी गली है, ये अपनी गली दिखाएं, अपने दोस्तों से बात करवाते थे। और मेरी भी एक दोस्त थी कल, ये किस साल की बात? ये 2020-21 की बात है जी, जब कोविड का समय जी सर, तब समय हम बहुत, फिर रात रात भर गेम खेलते, दिन दिन भर बात करते थे ऐसे, हम मतलब ऐसा लगा कि ना ये मेरे बगैर रह सकते ना, मैं आदत सी, अगर इनकी कॉल कट जाए, आदतें मेरी तरफ से या इनकी तरफ से, अगर मेरी तरफ से कट गई तो इनको गुस्सा आता, ये लड़ते मुझसे, अगर इनकी तरफ से कट जाती तो मैं इनसे लड़ती, कॉल क्यों काटी।
तो इस तरह था कि खाना भी एक दूसरे के बगैर हम नहीं खा देते कॉल पे। उसकी कहानी मैं तो उसके बारे में बस ये जानती हूँ कि ये एक धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था उस पे इसने जादू किया। मुझे उस बाबे ने बताया जिसके पास ये जाती थी, उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारे शोहर पे अंडे, तवीज़, धागे ये सारे कराती है इसे छीनने के लिए, कि इसे छोड़ दे, ये कर तुम्हें छोड़ दे, इसलिए ये करवाती है। वो भी मुझे इस तरह पता चला कि इसके किसी जानने वाले ने मुझे बताया था कि ये फलां बाबे के पास जाती है तुम्हारे रिश्ता तुम्हारा तड़वाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, मेरे मंगेतर के पीछे पड़ गई। जब भी वो मेरे फोन पे अगर वो मुझसे बात करता ना, ये कहती मेरी बात करवाओ। मैं कहती तुम्हारी क्यों बात करवाऊँ मैं, इससे मेरी बात करवाओ, बस मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है उससे। हालत उसकी इसने ख़राब कर दी हुई है। वो अभी जाके देखे फुटपाथ पे लेटा हुआ है, उसकी इतनी बुरी इसने हालत कर दी हुई है। अच्छा। उस पर तवीज़ धागे किए हैं एक तो इसने, वो जाके देखे ना उसने कुछ ढंग के कपड़े पहने हुए, वो बेचारा इतनी बुरी हालत में इस वक्त, सिर्फ इसकी वजह से। और ये वहाँ तो बड़ी मोहब्बत के दावे कर रही है, बनी अपनी दोस्त की नहीं बनी, अपने पहले शोहर की भी नहीं बनी, अब सचिन की कैसे बन जाएगी। इसके और भी रिलेशन थे? हाँ, इसके बहुत रिलेशन थे, यही देख लें, इससे हिसाब लगा लें। मेरे मंगेतर के पीछे जो पड़ गई थी उसकी जादू से हालात ही खराब करी। क्या कौन सा जादू बताया था, कौन सा किया उस बंदे ने, बाबे ने? उस बाबे ने मुझे बताया कि इसने नींबू में वो लगवा के उसके पता नहीं कैसे उस तक पहुँचाया, इसने उसका बुरा हाल कर दिया जादू की वजह से। सुइयाँ उसके घर से पाई गई हैं, मुझे पता था, उन्होंने बताया कि ये घर में हमारे सुइयां नहीं। तो फिल्म निकली है। हाँ जी, ये फिल्म नहीं, ये पूरी स्टोरी है। ये बड़ी घटिया और जलील औरत है। अब मुझे देखो, मेरी शक्ल देखो, पहचान रही हो मुझे कि भूल गई हो? मुझे भी नहीं अब तुम पहचानोगी। अब कहेगी नहीं मैं जानती नहीं। हाँ, अब ये मुझे भी नहीं पहचानेगी। अब जाके वहाँ पे ये है ही नहीं, ये लड़की पाकिस्तानी तो नहीं है। ये भी राज मैं आपको बताऊंगी। पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात कर रही हूँ मैं, बड़ी बात कर रही हूँ। मुझे सामने ले, लाइव ले, मैं आपको बताऊंगी। ये भी राज मैं इसका। और ये मुसलमान भी नहीं है? ये नहीं, ये मुसलमान किधर से है? इससे ये आप कह रही हो कि इससे पूछे, दुआए कनूत सुन ले। इनके घर वालों से तुम क्या कहना चाहोगी, उन पे भी जादू कर सकती है? हाँ, उन पे भी जादू कर सकती है। ये जिसने मेरे मंगेतर को मेरा नहीं रहने दिया, उसको फुटपाथ का कर दिया, इस जलील औरत को देखना, ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। सचिन तुम भी रेडी रहो, ये तुम पर भी जरूर तवीज धागे करेगी। जैसे ये पहले पाकिस्तान आई है, फिर सऊदीया गई है, अब इंडिया गई है। अच्छा, पाकिस्तान आई आप कह रही हैं, ये भी एक बड़ी बात। चलें, इसको राज अभी पूरा, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के लिए आपको, आप उससे सवाल पूछता हूँ मैं, आके उसका जवाब दे दे, मान लेना आपकी मुसलमान है। ये मुसलमान है ही नहीं, और ये हिंदू भी नहीं है। मत सोचिए सचिन के लिए हिंदू बनी है, ये गेम्स खेलती है, गेम्स जैसे प्ले, वो जो पबजी खेल रही थी, इसको कौन सी गेम का आपको पता है ज़्यादा, किसका शौक ज़्यादा है? इसको क्रिकेट गेम का ज्यादा शौक है, वो ही देखने के लिए गई है, ये मैच देखने के लिए गई है। वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप देखने वो तो आसानी से भी देख सकती थी टिकट करवा के, लेकिन इसको मुश्किल गेम पजल खेलना अच्छा लगता है। हाँ जी, ये बड़ी आपको पता नहीं खेल खेलने वाली औरत है, इस तरह की शातिर औरत है। किसी का घर खराब कर दिया जिसने, जिसकी जिंदगी खराब कर दी, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, इस घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। क्या हो रहा है भाई, ये बड़ा ही दुखदाई सीन क्रिएट हुआ है सीमा हैदर के केस में। ये घटिया औरत हैं या ये बहुत बढ़िया औरत हैं, ये टीका टिप्पणी तो मैं नहीं करना चाहूँगी, पर मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी हमारे सारे हिंदू भाई बहनों से, स्पेशली जो उनके विलेज में रहते हैं ना, अब उन्हीं को समझना होगा कि ये कोई भाईचारे, आपसी भाईचारे की बात नहीं चल रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता हमने कर दी, बड़ा प्यार दिखा दिया तो दुनिया के सामने एक मिसाल कायम हो गई। ये सारी गैर कानूनी बातें हैं, एंड आई कैन नॉट बिलीव कि वो अभी तक इंडिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। व्हाट द हेक मैन, शी शुड गो बैक टू हर कंट्री। अब आई डोंट नो वेदर शी बिलोंग्स टू इवन पाकिस्तान और नॉट, वहाँ पर ये रह रही थी और बाकायदा इनके जो लैंडलॉर्ड थे उनको ये अब्बू कह करके भी पुकारती थी, क्योंकि इनके माता पिता जो हैं वो तो इंतकाल कर गए, एंड शी हैज़ अ हस्बैंड ओवर देयर। अब ये भी हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि इनके हस्बैंड इनके साथ कुछ गलत तो नहीं करते थे, या ये अपने हस्बैंड के साथ कुछ दुर्व्यवहार तो नहीं करती थी। अगर जज्बाती होकर के इतना मोहब्बत का प्रदर्शन करना ही था तो सब कुछ लीगली करती ना। दोनों ही देशों की भावनाओं के साथ इस न्यूली मैरिड कपल सचिन एंड सीमा ने बड़ी ठेस पहुंचाई है। आई होप आगे से ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट ना हो और ये इश्क मोहब्बत प्यार के नाम पे गैर कानूनी काम होना बंद हो जाए।
चलिए फिलहाल आपसे लेते हैं इजाज़त, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नो मैटर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, दुबई से हैं, जहाँ से भी हैं, अगर प्यार करने वाले इंसान हैं तो हमारे भाई हैं या फिर बहन हैं या फिर दोस्त हैं। सो जस्ट सीरियसली टेल मी माय फ्रेंड, सीमा और सचिन का डिसीजन करेक्ट है या बिल्कुल टोटली इनकरेक्ट है? मिलेंगे जल्द ही इस मामले की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, और किसी के साथ भी कभी भी गद्दारी करने की सोचिएगा भी मत, ख्वाब में भी नहीं। अल्लाह हाफिज़।